लास्ट वीडियो हमने स्टॉप किया था जब डॉन जॉन 35 ईयर्स के होके लंदन वापस आते हैं सीक्रेट मिशन पे, और वो रियलाइज़ करते हैं कि लंदन की लाइफ बहुत दिखावटी है, लंदन के लोग बहुत दिखावटी हैं। और इसी बात पे वो कहते हैं कि लोग बहुत जलते हैं एक दूसरे से, और कीट्स को इसी चीज़ ने मार डाला। वो कहते हैं कि हु वॉज किल्ड ऑफ बाय वन क्रिटिक, कि लोग जलते थे कीट्स की जो उनकी जो क्रिएटिविटी थी उससे जलते थे, और इसी चीज़ ने कीट्स को मार डाला दूसरों की जेलसी में, क्योंकि लोग यहाँ के बहुत पॉम्पस हैं, बहुत दिखावटी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लैला, जो कि एक मुस्लिम गर्ल है जिसे वो बचा के लेके आए थे रशियन वॉर में, उसकी एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं और एक उसके लिए एक लेडी ढूंढते हैं जो कि उसे अच्छी एजुकेशन दे सके। वो इंग्लैंड की लेडीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, और लास्ट में वो लेडी पिंच बैक पे भरोसा करते हैं और उनको ये काम सौंपते हैं कि आप लैला की एजुकेशन पे कंसंट्रेट करें। जॉन फिर डॉन जॉन बिकम्स वेल रेप्यूटेड पर्सनालिटी इन एरिस्टोक्रेट सोसाइटी, बहुत जाने पहचाने और बहुत ही इज्जतदार पर्सनालिटी होते हैं वो रॉयल सोसाइटी में लंदन की। एक बार उसे डॉन जॉन को लेडी एडलीन और उनके हस्बैंड लॉर्ड हेनरी मिलते हैं, जो कि उसे अपने डॉन जॉन को अपने घर भी इनवाइट करते हैं, और कहते हैं कि एडलिन बहुत ही फेटल लेडी थी। और डॉन जॉन कई बार लॉर्ड हेनरी के पास जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे डॉन जॉन मैच्योर हो जाते हैं, 37 ईयर्स के हो जाते हैं, और जो ये लेडी एडलिन थी ये अट्रैक्ट होती थी डॉन जॉन की तरफ, और डॉन जॉन डचेस ऑफ फिट्स फ्लूक से बहुत बातें करते थे, तो एडलिन को अच्छा नहीं लगता था, एडलिन जेलस फील करती थी। तो वो डॉन जॉन को बोलती है कि भैया अब तुम 37 ईयर्स के हो गए हो और शादी कर लो। तो हम कैंटो 15 में देखते हैं कि वो सजेस्ट करती है डॉन जॉन को कि मैरिज करके सेटल हो जाओ, और फिर हमें वहाँ पे पता चलता है कि डॉन जॉन एक 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल अरोरा रेबी से लव करते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं। और उसी बीच हम देखते हैं कि एडलिन एक पार्टी अरेंज करती है, डिनर पार्टी, और उस डिनर पार्टी में सब जने जाते हैं और डिनर करने के बाद सो जाते हैं, और रात में डॉन जॉन को ऐसा सुनने में आता है कि कोई चल रहा है उन बड़ी बड़ी उधर जो पेंटिंग्स थी उन बड़ी बड़ी पेंटिंग्स से निकल के। और सुबह जब डॉन जॉन उठते हैं तो लॉर्ड हेनरी उसकी हालत देख के फील करते हैं कि इसने ज़रूर ब्लैक फ्रायर को देखा होगा, क्योंकि ब्लैक फ्रायर की आत्मा वहाँ भटकती है। और वो बोलते हैं कि मैं जब मेरे हनीमून पे आया पहली बार तो मैंने भी ब्लैक फ्रायर को देखा, उनके फुटस्टेप की आवाज़ सुनी। और डॉन जॉन वापस नेक्स्ट डे देखते हैं ब्लैक फ्रायर को देखते हैं, लेकिन साथ ही वो देखते हैं कि वो वुमेन जैसी है। और इसी बीच ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं और ये पोयम ख़त्म हो जाती है। इसमें आगे क्या हुआ, क्या सस्पेंस था, ये हमें पता नहीं लगता है, और ऐसे कैंटो 17 अनफिनिश्ड रह जाता है लॉर्ड बायरन से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव लाइक्ड, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।